सपोटरा के गांव कहारपुरा में इन दिनों ट्रांसफार्मर चोर सक्रिय हो रहे हैं, जो किसानों के लिए चिंता का विषय बन रहे हैं। गांव के समीप कालूदास बाबा मंदिर के पास किसान गंगाराम कहार के खेत में बिजली निगम द्वारा कृषि कनेक्शन कर 10 केवीए 3 फेज ट्रांसफार्मर को बीती रात चोरों द्वारा खोलकर उसके सभी पार्ट्स निकालकर खाली खोखा खेत में फेंक दिया गया। सुबह जब किसान अपने खेत पर पहुंचा तो उसे बिजली ट्रांसफार्मर के खुले हुए पुर्जे खेत में पड़े दिखाई दिए। इसके बाद किसान ने बिजली कर्मियों को इसकी सूचना दी, जिस पर बिजली कर्मी मौके पर पहुंच गए। वहीं चोरों की सक्रियता बढ़ने के कारण यहां खतरा बढ़ चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि न सिर्फ ट्रांसफार्मर की चोरी बल्कि यहां पर अन्य सामानों की चोरी भी लगातार हो रही है। वहीं पुलिस से चोरों पर शिकंजा कसने की मांग की गई है ग्रामीणों के द्वारा। भिंड चंबल नदी जलस्तर तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिसके चलते भिंड के अटेर क्षेत्र के करीब 8 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रेस्क्यू टीम द्वारा बोट लगाकर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, जहां उनके रहने और खाने दवाई जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर गांव खाली कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर भिंड डीएम एवं भिंड पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर धांधली हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रिश्वत लेकर ग्राम प्रधान अपात्रों को आवास बांट रहा है, जबकि पात्र आवास लिए बिना ही दर दर भटक रहे हैं। वहीं अब पीड़ित परिवार ने मीडिया के द्वारा न्याय की गुहार लगाई है। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इरफान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि हमारे ये टूटा फूटा मामला है, सरकार से ये चाह रहा है कि सहायता मिले, घर मिले, रहने को जमीन है कि घर मिले। जमीन है आप पे? जमीन है। जैसे ये आपका सारा ही मकान टूटा पड़ा है, फिर कैसे आप रह रहे हैं यहाँ पे? अरे ऐसी गुजर बसर कर रहे हैं। इसकी शिकायत आपने प्रधान वगैरह से नहीं करी? करी थी लेकिन कोई सुनवाई ना हुई, किसी तरह की सुनवाई ना हुई। प्रधान क्या कहते हैं आपके? क्या जाते हैं, करते कुछ है ना। अच्छा, आपको लैट्रिन वगैरह मिली? ना कुछ ना मिला। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य अभियान चला रहे हैं, फिर भी आपको लैट्रिन नहीं मिली? ना, फिर भी ना मिली। अच्छा, जिला कौन सा पड़ता है आपका? संबल। तहसील? चंदूसी। ब्लॉक? ब्लॉक बनिया खेड़ा। अच्छा, बताइए मैम क्या दिक्कत है आपकी? हमारा घर टूटा फटता है, इसी में गुजर बसर कर रहे हैं, और क्या परेशानी रहती है, बारिश होती है तो। अच्छा, जैसे बारिश होती है फिर आप कहाँ पर रहते हैं? तो इधर वहीं बैठ जाते हैं अपने। पूरी रात ऐसी काटती हो? हाँ। इसकी शिकायत प्रधान वगैरह से, सचिव वगैरह से नहीं करी आपने? नहीं, प्रधान कह जाते हैं कि हाँ बन जाएगा, अब आऊँगी तो कॉलोनी जब बन जाऊँगी, अभी तक तो कुछ बनी नहीं। क्या नाम है आपका? समीना। कहाँ के निवासी हैं? जनेटी के। देवरिया राज डांस एकेडमी व रेक्स डांस एकेडमी द्वारा संयुक्त रूप से नृत्य गायन एवं मॉडलिंग प्रतियोगिता बैंग बैंग सीजन 2 का मेगा ऑडिशन देवरिया के राघव नगर स्थित एक विद्यालय में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से उभरते हुए कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, जहाँ परिसर में उपस्थित दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई किया। ये बैंग बैंग सीजन 2 हो रहा है, इसके पहले हम लोगों ने बैंग बैंग सीजन 1 भी कराया था। ये देवरिया जैसे पूर्वांचल का बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पे लोग डांस और सिंगिंग को बड़े ही छोटे दृष्टि से देखते हैं, तो हम लोगों ने एक मुहिम चालू की है कि यहाँ के जो बच्चे हैं अगर वो डांस और सिंगिंग में उनके अंदर प्रतिभा है तो उनको निकाल के बाहर किया जाए, उनको ले आया जाए। उसके लिए एक मंच बनाने का हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। रेक्स डांस एकेडमी और राज डांस एकेडमी दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। देखिए, इसमें हम लोगों ने डांस को, सिंगिंग को, मॉडलिंग को, तीन चीज़ों को इसमें शामिल किया है, और इसमें कानपुर से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, बनारस से, गाजीपुर से, देवरिया के, मतलब मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश के लगभग 13 से अधिक जिलों के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। ये कुल 3 चरणों में प्रतियोगिता हुई थी। पहला जो हम लोगों ने ऑडिशन लिया था, ऑडिशन में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनके आधार पर हम लोगों ने यहाँ पे मेगा ऑडिशन लिया है, और इसके बाद इनका फाइनल जो है वो 13 अक्टूबर को GIC के मैदान में कराएंगे। आगे
जहां सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, तो वहीं जनपद बहराइच ब्लॉक विश्वेश्वरगंज के ग्राम पंचायत बनकापुर के दबंग प्रधान जातिवाद कर सभी विकास कार्य को पलीता लगा रहा है। आरोप है कि प्रधान ने स्कूल के पंचायत भवन का निर्माण कागजों में ही करा दिया, लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर आवारा पशु घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जो आवास पाने के पात्र हैं, उनको आवास न देकर अपात्रों को एक से दो आवास दिए जा रहे हैं। मैं भाई आपका संदीप मिश्रा। क्या समस्या है? समस्या आवास का है जी। आपकी ग्राम पंचायत में कितने वर्षों से ग्राम प्रधानी चली आ रही है? 3 पंचवर्षीय योजना से हमारे ग्राम प्रधान जी कल थे, बाउर प्रधान जी हैं जी। उन्होंने आपने कहा नहीं कि हम पात्र हैं, हमारा पाने का अधिकार है, हमको आवास योजना नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं लिया? कई बार उनसे भी कह चुके हैं और कई बार कल थे मतलब मुख्यमंत्री महोदय जी को भी एप्लीकेशन मैंने दे चुका हूँ और मतलब जिलाधिकारी महोदय जी को भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। अगर वहाँ से कोई रिपोर्ट आता है तो हमारे ग्राम पंचायत सचिव जी ने लगा देते हैं कि कल थे इनकी सूची में नाम अंकित कर लिया गया है, लक्ष्य आने पर इनको मुहैया की जाएगी। लेकिन अभी तक इनका कल थे लक्ष्य आया ही नहीं। 15 साल हो गए इनके प्रधानी, क्या आज हम कल थे आवास के पात्र हैं? काफ़ी दिनों से आवास के पात्र हैं, लिहाजा प्रधान जी ने 3 पंचवर्षीय योजना खेया, ये लास्ट है। मतलब प्रेजेंट टाइम में इस समय प्रधान जी बाउर हैं, इन्होंने इनसे कई बार किया कहा, लेकिन इन्होंने आनाकानी करते रहे। विकास खंड क्या है आपका? विकास खंड विशेषरगंज है। ग्राम पंचायत मनिकापुर है। जनपद बहराइच है। क्या लगता है शासन प्रशासन जैसे लगता है हमारे लिए बिल्कुल जीरो है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से ये प्रार्थना करना चाहेंगे, हम कहना चाहेंगे कि हमारी गरीब स्थिति को देखते हुए आवास मुहैया कराने की कृपा करें। अमित वर्मा। क्या समस्या है आपकी ग्राम पंचायत में? अरे जब हमारे यहाँ बरसात होती है तो वहाँ के पानी के सप्लाई नहीं जाता है जी। वो पता रहता है, जब बोल रहे हैं इसको सफा करा दीजिए तो बोल रहे हैं कि हमारे अंडर में नहीं है। कौन कहता है? वो सफाई कर्मी कह रहे हैं। क्या सफाई कर्मी पूरी तरीके से ड्यूटी करते हैं या फिर आवत है स्कूल में? स्कूल से ड्यूटी करके तक चली जाती, गाँव में कोई सफाई नहीं करा थी। क्या नाम है सफाई कर्मी का? अब नाम तो हमको नहीं मालूम। ग्राम पंचायत का क्या नाम है? ग्राम पंचायत मनकापुर। अभी आपने बताया कि केस दर्ज हो जाएगा, क्या मामला बताएं? अब वो बता रहे थे कि हमको मालूम नहीं है, हम यहाँ के नहीं हैं, पूरे वहाँ के कराएंगे कि पूरा मौजक कराएंगे, जहाँ है जहाँ कराते हैं, हम स्कूल में करा के चले जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पूरे हम नलिया के नहीं ठेका। अभी आपने बताया केस दर्ज होने का मामला आ सकता है, क्या है बताएं पूरा प्रकरण? अब उनका हम आ गया जत्ते कुमार मिश्रा। संदीप कुमार मिश्रा जी। पिताजी का नाम? गुरुदेव मिश्रा। ग्राम पंचायत मनिकापुर। विकास खंड विशेषरगंज। जनपद बहराइच। बताइए आपके ग्राम पंचायत की क्या समस्या है? हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो प्रधान जी ने अनियमित कार्य बहुत सारे किए। जैसे कौन कौन से कार्य? जैसे कि ग्राम सभा की सफाई। हाँ, मुख्य चीज सफाई। सफाई में ग्राम प्रधान से क्या चाहे तो कौन सी सफाई करें? तुम्हारे सफाई कर्मी नहीं नियुक्त है? हमारे ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी नियुक्त है, लेकिन सफाई कर्मी बराबर अपनी ड्यूटी कल थे मतलब नियमता अनुसार नहीं करते हैं। नहीं करते हैं सफाई कर्मी, ड्यूटी करने नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। जिस समय आपने सफाई कर्मी से कहा? हमने सफाई कर्मी से आज तक नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? प्रधान जी से मैंने शिकायत किया। हाँ, तो क्या कहा प्रधान? लेकिन प्रधान जी ने भी उस पे कल थे अवॉइड कर गए, बात सुनकर अनसुनी कर दिया। जी जी। अच्छा, इसके विकास के बारे में बताओ। विकास के बारे में हमारे ग्राम पंचायत कल थे मनिकापुर में विकास कार्य, जो प्राथमिक विद्यालय से नाली निर्माण नया कराया गया है प्रधान के द्वारा, जो उत्तर नाले तक है वो आज
नाली निर्माण कुछ नहीं है और हमारे ग्राम पंचायत में विकास का नाम से बिल्कुल सन्नाटा छाया। तुम्हारे यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ? कोई सन्नाटा छाया है। शौचालय, शौचालय एक एक घर में दो दो शौचालय दिया गया है, किसी किसी घर में कोई शौचालय ही नहीं दिया गया है, न सोखता दिया गया है। उसका सरकार के यहाँ से आया हुआ धन आवंटन करवा लिए हैं, वो अपने प्रयोग में ले लिए हैं प्रधान जी। ये जो बगल में नाली का पानी भरा हुआ खड़ंजे पे जो आवागमन काफी सारे लोगों को आपके ग्राम पंचायत में बहुत सारे लोग इस पे जाते हैं, किसके घर से कहाँ तक ऐसा? ये हमारे कोटेदार श्यामलाल जी के यहाँ से और मेन रोड से मिलता है, लेकिन जब कहते यहाँ पर गल्ला की वितरण किए जाते हैं कोटेदार जी करते हैं तो यहाँ पर काफी लोगों का गल्ला इस कहते नाले में गिर जाता है। तो कोटेदार जी के घर के सामने है? जी जी, कोटेदार जी के घर के सामने है, लेकिन इसका कोई कुछ नहीं, एक ट्राली माटी तक नहीं गिरवा पाते हैं। एक ट्राली नहीं, एक ट्राली राबिस तक यहाँ पर नहीं मतलब गिरवाए हैं जी। प्रधान जी, कोटेदार जी इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं प्रधान से? हाँ, कुछ अपना करवा दे। कोटेदार जी से कल था थोड़ा बयान लीज ले लीजिए, बहुत ही गलत, और क्या बताएं आपसे। जैसे गलत में कैसा गलत है? गलत में अगर कोई लड़का या कोई आदमी या कोई पुरुष उनसे अगर कहता है तो वो धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? कि हम जेल भिजवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। प्रधान जी भी कल तक धमकी देते हैं लोगों को कि जेल भिजवा देंगे। प्रधान जी भी धमकी देते हैं? हाँ। आपका नाम? रक्षा राम। क्या बताना चाहते हैं आप? सफाई करने? सफाई नहीं हो रहा है हमारे ये टोला में, कोई नहीं सफाई करने आता। सफाई कर्मी? और प्रधान से आपने कुछ कहा? प्रधान से तो हमने ही कहा, प्रधान आते नहीं। सफाई कर्मी के व्यवहार के बारे में बताओ, ड्यूटी करते हैं कि नहीं करते? इधर नहीं आते हैं ड्यूटी करने, वो आते हैं स्कूल में बैठते हैं। अच्छा। वो जो यही कहते हैं, जो लोग कहते हैं तो यही कहती है कि हाँ कानो हम वो कर देंगे, हो या है वो कर देंगे। ये तुम्हारे गांव की सफाई कर्मी क्या महिला है? हाँ, महिला, 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 महिला। निकले छोटे तो सारा है कानो एकदम से उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में एक उभरते कलाकार आलोक दुबे ने देश की जटिल समस्या बाल श्रम पर एक टैली फिल्म का निर्माण कर लोगों को बाल श्रम के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, बाल श्रम को लेकर गंभीर है और तरह तरह के नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में बाल श्रम को रोका जा सके और देश का भविष्य बनने वाले नाबालिग बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके देश व अपने माता पिता का गौरव बन सके। आज इसी बाल श्रम पर आधारित समाज को जागरूक करने के लिए फॉलीवुड प्रोडक्शन व अंजलि स्टूडियो के बैनर तले फतेहपुर जिले की उभरती हुई प्रतिभाओं द्वारा लघु फिल्म मीरा द अनटोल्ड स्टोरी की स्क्रीनिंग जिले के शादीपुर चौराहा स्थित एक रेस्टोरेंट में संपन्न हुई। दरअसल जो बच्चे अपने घर के पारिवारिक कलह की वजह से घर छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे बच्चे ढाबों में या होटलों में काम करते हैं और उनका शारीरिक मानसिक शोषण होता है। इसी को खत्म करने के उद्देश्य से कि बच्चे ऐसी जगहों पर ना फंसे, उनके साथ बहुत ही घटनाएं होती हैं, खासकर लड़कियों के साथ होती हैं, तो 14 साल के कम उम्र के इन बच्चों को घर का माहौल अच्छा रखा जाए और ऐसे जगहों पर होटलों पर उनको प्रताड़ित ना किया जाए, इसके उद्देश्य से हमने मीरा द अनटोल्ड स्टोरी जो हमारी लघु फिल्म है इसको बनाया। अभी तक कितनी फिल्में बना चुके होंगे और आगे क्या बनाने का उद्देश्य है? अभी ये मेरी तीसरी शॉर्ट मूवी है। इससे सबसे पहले मैंने गांठ बनाई थी जो कन्या भ्रूण हत्या पर थी, और उसके बाद द वॉशिंग मशीन बनाई जो कि महिला प्रताड़ना पे थी, और ये तीसरी मूवी है घरेलू किरण पर, और ये तीसरी मूवी है मीरा दंड। आपके यहाँ कलाकारों की कैसे भूमिका रही और बाहर के भी कलाकार आप इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर लोकल के ही? मेरा उद्देश्य है कि जनपद के फतेहपुर के जो कलाकार हैं उनको आगे बढ़ाना, तो ज़्यादातर जितने कलाकार हैं वो सारे लोकल ही हैं, कुछ प्रोफेशनल कलाकार हैं और कुछ जो जिनको कलाकार बनाया जा रहा है उस पर मेहनत कर रही है हमारी बॉलीवुड अकेडमी की टीम और उनको हम लोग लॉन्च करते हैं। क्या नाम है आपका? आलोक द्विवेदी, मैं डायरेक्टर हूँ बॉलीवुड प्रोडक्शन। पत्रकार को एक ओर देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है तो वहीं दूसरी ओर पुलिस का पत्रकारों के प्रति अमानवीय व्यवहार चिंता का विषय बनता जा रहा है।
जबकि देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पुलिस के आला अधिकारियों को पत्रकारों से अच्छा व्यवहार करने की बराबर नसीहत देते हैं, उसके बाद भी इनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन आने की बजाय और भी उदंडता आती जा रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी विद्यालय का है, जहां कल राज्यपाल महोदय आनंदी बैन के आगमन पर फतेहपुर जिले के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज करने पहुंची, जिसकी कार्यक्रम स्थल के बाहर क्षेत्राधिकारी जाफरगंज श्रीपाल यादव द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए रोक दिया गया। कारों के मामले को लेकर फतेहपुर प्रेस क्लब के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिलने आए थे। कल गवर्नर के कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ सीओ जाफरगंज द्वारा अभद्रता की गई थी, उसी को लेकर हम सभी पत्रकार साथी पुलिस अधीक्षक से मिले और पुलिस अधीक्षक ने सीओ जाफरगंज के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की बात कही, आश्वासन दिया है और शासन को डीओ लेटर लिखकर इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, इस बात का आश्वासन पत्रकारों को दिया गया है और पत्रकार पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद संतुष्ट हैं।